नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट मनीष। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो छोटे साइज के इमेज होते हैं तो उनको हम कैसे इनलार्ज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फोटोशॉप में जाएंगे, देन एडिट मेन्यू पर क्लिक कीजिए, देन प्रेफरेंस में जाइए एंड देन टेक्नोलॉजी प्रीव्यूज पर क्लिक कीजिए। देन यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इनेबल प्रिजर्व डिटेल्स 2.0 आप इसके लिए इसको चेक करके ऑन कर दीजिए। ये जो ऑप्शन है प्रिजर्व डिटेल्स 2.0 आप इसके लिए आपको फोटोशॉप सीसी 2018 से मिलेगा। यदि आप फोटोशॉप सीसी 2018 से नीचे के वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो ये ऑप्शन उसमें आपको नहीं मिलेगा। देखिए मैंने ये फ़ोटो ओपन किया हुआ है, जैसे ही हम इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो ये देखिए पिक्सलेट होने लगा है। अभी भी इसमें पिक्सल्स दिखाई दे रहे हैं। यदि अब हम इसको बड़ा करना चाहते हैं तो और ये पिक्सल्स भी ना दिखें तो उसके लिए आप इमेज पर जाइए, देन इमेज साइज पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इसका इमेज साइज जो है चेंज कर दीजिए, इमेज साइज चेंज कर दीजिए। और एक बात का ध्यान रखिए कि रिसैंपल इमेज जो है ऑन होना चाहिए। तो यहाँ से हम इसका इमेज साइज चेंज करते हैं। ये देखिए जैसे ही हम चेंज करेंगे और यहाँ पे आप इसको नॉइस कितनी कम ज़्यादा फोटो में आपको डिटेल कितनी रखनी है, नॉइस कितनी कम ज़्यादा करनी है वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये फ़ोटो जो है बहुत ही सॉफ्ट हो गया है तो नॉइस को हम इतना रखते हैं, 35 कर देते हैं तो इसकी जो है शार्पनेस भी बरकरार है और इमेज साइज भी बड़ा हो जाएगा। ये देखिए देखिए यदि अब हम इस फोटो को जूम करते हैं इस तरह से, जो छोटे साइज के फ़ोटो होते हैं और आप उनको बड़ा करना चाहते हैं तो आप इस तरह से फ़ोटोज़ को बड़ा कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप लोगों के मन में फोटोशॉप से रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं ताकि मैं आप लोगों के लिए फोटोशॉप के और नए वीडियोज लेकर आ सकूं।